भाई किसी ने सही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार और जीत तो हमारी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज की कहानी कुछ हार जीत के बारे में ही है। सोनालिका ई गुरुकुल में आई वेलकम यू ऑल। और आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है ना मैं जीता ना तुम हारे। जंगल में छोटे जानवरों के खेल होने जा रहे थे। सभी में गजब का उत्साह था। तभी एक लंबा चौड़ा कंगारू वहां आया और बोला, मैं भी खेलूंगा। आप कौन है? आपको पहले तो कभी नहीं देखा, डिंकी हिरन ने पूछा। मैं कंगारू हूँ, दूसरे देश से तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। भाई यह छोटे जानवरों का खेल है, आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, सोनू खरगोश ने समझाया। प्लीज मुझे खिला लीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कंगारू हाथ जोड़ते हुए बोला। सभी जानवरों ने सलाह की। फिर रेफरी भालू दादा बोले, तुम बाहर से आए हो इसलिए चलो खेलो, सबसे पहले ऊंची कूद होगी। सोनू खरगोश दौड़ता हुआ आया और 25 फुट कूद गया। उसने जंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर कंगारू ने छलांग लगाई और सोनू का मजाक उड़ाते हुए बोला, ओए पहलवान, तुमसे ज्यादा तो मैं खड़े खड़े कूद जाऊंगा, इतनी दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। आखिर कंगारू ऊंची कूद जीत गया। भालू दादा ने उसे गोल्ड मेडल पहनाया। अब हर्डल रेस शुरू हुई। कालू लंगूर खूब कूदा खूब दौड़ा, मगर कंगारू उससे बहुत आगे निकल गया और ठहाका लगाते हुए बोला, जा जा पहले थोड़ा दूध पिया फिर मेरा मुकाबला करना। 100 मीटर की दौड़ शुरू हुई। अब डिंकी हिरन ने जान की बाजी लगा दी। वो खूब दौड़ा लेकिन कंगारू उससे बहुत आगे निकल गया और उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, जरा संभल के दौड़, कहीं तेरी पतली कमरिया में मोच ना लग जाए। सारे गोल्ड मेडल मेरे हुए, अब केवल मैराथन बची है। आखिर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके? कंगारू घमंड से हंसते हुए बोला। सारे जानवर चुपचाप खड़े रहे, किसी में उससे टक्कर लगाने का साहस नहीं था। तभी कंगारू ने ललकार लगाई, सब के सब खामोश क्यों खड़े हो भाई, किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर दिखाए, वरना पूरा जंगल अपनी हार मान ले। मैं करूंगा तुम्हारा मुकाबला, तभी नन्हे चुन्नू चूहे ने कहा। तुम दौड़ोगे 42 किलोमीटर की मैराथन? कंगारू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मैं दौड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, चुन्नू ने कहा। कैसी शर्त? जो हारेगा उसे अपनी पूंछ कटवानी पड़ेगी, चुन्नू ने अपनी शर्त बताई। कंगारू हंसते हुए मान गया। पूरा जंगल मैराथन देखने जमा हो गया। भालू दादा ने दौड़ शुरू करने की सीटी बजाई। पलक झपकते ही कंगारू बहुत दूर निकल गया। अरे 10 किलोमीटर तो आ गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कंगारू ने सोचा। क्यों भाई थक गए हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ गए? कंगारू ने चकित होकर पूछा। जैसे तुम आ गए, चुन्नू चूहे ने हंसते हुए कहा। कमाल है, चूहा 10 किलोमीटर कैसे आ गया? कंगारू बड़बड़ाया और फिर उठकर वहां से भाग लिया। बहुत गर्मी है, थोड़ा आराम कर लूं। 20 किलोमीटर पहुंचकर कंगारू ने सोचा, अरे तुम तो अभी से टेढ़े हो गए हो, अभी तो आधी दौड़ बाकी है, कैसे पूरी कर पाओगे? तभी चुन्नू चूहे ने हंसते हुए कंगारू को छेड़ा। तुम यहाँ तक भी आ गए, तुम चूहे हो या आफत का परकाला? कंगारू आश्चर्य से उछल पड़ा। मैं चुन्नू चूहा हूँ, चुन्नू चूहा, आज मैं तुम्हारी पूछ कुतर 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 लूंगा। चुन्नू चूहा अपनी उंगलियां नचाते हुए ठहाके लगाने लगा। हाय अब तो चला भी नहीं जा रहा, थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ। 30 किलोमीटर बाद थका हारा कंगारू जमीन पर ही लेट गया। ये क्या बदतमीजी है, जहाँ मैं आराम करने रुकता हूँ वहीं तुम भी आ जाते हो। तभी चुन्नू चूहे ने उसे जोर से झपटा। तुम चूहा नहीं, तुम तो कुछ और हो, चूहा इतनी दूर दौड़ नहीं सकता। कंगारू बुरी तरह डर गया और गिरता पड़ता वहां से भाग लिया।
इस बीच चुन्नू उछल कर उसकी जेब में घुस गया। घबराया कंगारू भागे भागे जा रहा था, भागे ही जा रहा था। उसकी जेब में आराम से बैठा चुन्नू हाथ हिलाकर सबको टाटा कर रहा था। दौड़ पूरी होने वाली थी, लेकिन थका हारा कंगारू थोड़ा पहले ही बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। चुन्नू फौरन उसकी जेब से बाहर निकला और उसने झपट कर दौड़ पूरी कर ली। जीत गया भाई, जीत गया, चुन्नू हमारा जीत गया। सारे जानवर चुन्नू को उठाकर खुशी से नाचने लगे। काटो काटो, इस घमंडी की पूंछ काटो। तभी कालू लंगूर कैंची लपलपाते हुए आगे बढ़ा। कृपा करके मेरी पूंछ मत काटो, मुझे जाने दो। कंगारू हाथ जोड़कर किड़गिड़ाने लगा। अरे घबराओ मत, तुम्हारी पूंछ नहीं काटी जाएगी, क्योंकि न मैं जीता न तुम्हारे। चुन्नू ने कंगारू को सांत्वना दिया। क्या मतलब? कंगारू ने पूछा। मतलब ये कि जब तुम दौड़ते थे तो मैं उछलकर तुम्हारी जेब में घुस जाता था, जब तुम रुकते थे तो मैं बाहर आ जाता था। मैंने यह दौड़ तुम्हारी जेब में बैठे बैठे ही पूरी कर ली है। चुन्नू ने अपना राज खोल दिया। फिर चुन्नू बोला, भाई मैं तुमको केवल ये समझाना चाहता था कि अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, उन्हें परेशान करने के लिए नहीं। मुझे माफ कर दो चूहे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ही अच्छे हो और समझदार भी। कंगारू ने कहा। हाँ वो तो मैं हूँ ही। चुन्नू चूहा हंस पड़ा। कंगारू को अपना सबक मिल गया। उसने सबको धन्यवाद दिया और उसी दिन अपने देश लौट गया। तो इतनी अच्छी शिक्षा के साथ, इतनी बढ़िया सीख के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म हुई। और भी कई मजेदार कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सोनालिका ई गुरुकुल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। फिलहाल मेरी तरफ से बाय बाय।